कि ये आखिर इतना ज्यादा इसका सवाब क्यों रखा गया है, इसके पीछे फलसफा क्या है कुर्बानी का। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि परवरदिगार आलम इसके जरिए एक तशवीक दिलाना चाहता है और एक एहसास को बेदार करना चाहता है कि खुदा की राह में कुर्बानी देने के आदि बनो। देखिए कभी कभार ऐसे मौके जिंदगी में आते हैं और हर शख्स के आते हैं, आपको खुद महसूस करना चाहिए कि कहीं वाकई ये मौका मेरे पास परवरदिगार की तरफ से कुर्बानी मांगने का तो नहीं। मसलन कभी माल को राह खुदा में देना होता, माल को पता चला आपके खूमों से इतना ज्यादा आप पे वाजिबुल अदा निकला, अब आपको ना उस माल को राह खुदा में दे देना चाहिए, लेकिन अब क्या है शैतान आकर आपको बहकाएगा, आपके हाथों को रोकेगा, अरे इतना माल निकल जाएगा, कोई प्लॉट बिका है इतना ज़्यादा, लोग तरीके पूछते फिरते हैं कोई ऐसा तरीका निकल आए कि मसलन उन्होंने बिजनेस पर्पस से या कोई सेविंग के एतबार से कोई प्लॉट लिया था, उसकी इतनी कीमत हो गई, इसको बेचेंगे तो इतना ज़्यादा 20% या 25% बहुत से मसाइल के अंदर खमोश देना पड़ता है, बहुत माल निकल जाएगा। तो अब यही मौका आ गया कि इस माल को कुर्बान किया जाए हुक्म खुदा के सामने। तो कभी माल राह खुदा में देना होता है कुर्बानी के तौर पर, कभी ओहदा राह खुदा में कुर्बानी के तौर पर पेश करना होता है। बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं, सूदी मुलाजमतें ऐसी हैं कि जो कि करना हराम है, जिसके अलग एक तफसीली मसले हैं और तमाम मुज्तहिदीन ने इसको हराम करार दिया, जिसके अंदर सूद का लेन देन होता है। अब यहाँ पर कभी इस्लाम आपसे तकाजा कर सकता है, अब जब मुकाम अमल पेश आए तो उलमा से रुजू करना चाहिए, लेकिन एक अमूमी मसला बता रहा हूँ कि ओहदे की भी कुर्बानी देना पड़ती, कभी आसाइशों की कुर्बानी देना पड़ती है। इतनी शदीद गर्मी है, आप लोग यहाँ पर आई हैं, अपने आराम को आप घर में भी ठंडे तरीके से रह सकती थी और इत्मीनान के साथ, आपको क्या ज़रूरत थी, लेकिन आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए अपनी एक आसाइश को कुर्बान किया, अपने आराम को कुर्बान किया। और कभी ज़्यादा बड़े सिनेरियो में अगर देखें और उसको काफ़ी बढ़ा लें हम अपने कैनवस को, तो उसमें कभी कभार जान भी देनी पड़ सकती है। और इसी जज्बे की बेदारी के लिए एक सालाना मश्क और प्रैक्टिस का नाम है ईद कुर्बान की कुर्बानी, ताकि इंसान को ये एहसास रहे कि ऐसे मौके मुझ पर आ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें खुदा की राह में कुर्बान करनी पड़े। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जानवर तो मुस्तकिल ज़िबा हो रहे हैं, लेकिन जज्बा कुर्बानी कहाँ है ये हमें देखने में नहीं आ रहा। जज्बा कुर्बानी जो परवरदिगार पैदा करना चाहता था, देखिए खुदा परवरदिगार आलम खुद आयात कुरानी के अंदर ये बात बता रहा है कि इस जानवर की कुर्बानी के जरिए उसे क्या चीज़ दरकार है, क्या चीज़ परवरदिगार क्या चाहता है। सूरह हज की आयत नंबर 37 में कि खुदा इन जानवरों का ना गो खुदा तक ना इन जानवरों का गोश्त जाने वाला और ना ही खून, उसकी बारगाह में सिर्फ तुम्हारा तकवा जाता है, इखलास नीयत जाती है। परवरदिगार ने खुद इसका ऐलान कर दिया कि मुझे क्या तुमसे चाहिए इस कुर्बानी के नतीजे में। तो वो जज्बा कुर्बानी हमें देखने में नहीं आता, जो परवरदिगार ने चीज मांगी है तकवा, वो हमें देखने में नजर नहीं आता कि वो तकवा कहाँ है, वो जज्बा जो कुर्बानी वो किधर। मौजूदा जो कत्ल व गारतगरी चल रही है और शहादतें हो रही हैं उससे कत नज़र, खून बहाना तो छोड़िए, आप ये बताइए कि कब खुदा की राह में अपने खून तो छोड़िए पसीना भी बहाया। एक रात कोई हम सोच के बता दें कि जब हम इस्लाम के लिए अपने आराम को हमने तर्क किया हो और एक रात भी जागे हों इस्लाम के लिए, कोई ऐसी अजियत और तकलीफ और परेशानी जो हमने फ़कत इस्लाम के लिए उठाई, इस्लाम के लिए दीन की खातिर हमने वाकईतन कभी किसी आसाइश को तर्क किया हो। यहाँ हम देखते हैं कि 50-50 हज़ार के, एक एक लाख के, कई कई लाख के जानवर लोग लेकर आते हैं और कुर्बानी करते हैं, लेकिन उनके अपने गरीब रिश्तेदार वैसी तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं करते। तो जानवर ज़िबा कर कर के और 6-6 महीने तक डीप फ्रीज़रों के अंदर भर भर कर लोग इस्तेमाल करते हैं, यही वजह है कि आपको पता ही कि डीप फ्रीज़र सबसे ज़्यादा ईद कुर्बान और उससे करीब की तारीखों के अंदर जो है वो बिका करते हैं। तो गरीबों की तरफ तवज्जो कम है और ना होने के बराबर है, जबकि इस जानवर की कुर्बानी के ज़रिए परवरदिगार आलम दो जज्बे हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, एक तो तकवे का और एक कुर्बानी का, और ये दोनों ही चीज़ें हमको मफकूद नज़र आ रही हैं।
औरों को तो छोड़िए, खुद अरबाब इक्तदार भी सारी कुर्बानी हमेशा गरीब आवाम से मांगते। बास तो जुबान हाल से ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आया है और हम इस कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए आ गए। तो बहरहाल ये बड़े उसके ऊपर देखें जाकर तो वहाँ पर भी गरीबों की कुर्बानी की जा रही है और यहाँ हम जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन जो उसके नताइज ज़ाहिर होने चाहिए थे वो नतीजे ज़ाहिर नहीं हो रहे। देखिए हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के वाक़े में भी जो परवरदिगार ने पैगाम दिया है इंसान को कि हुक्म खुदा के आगे हर चीज़ को कुर्बान कर देना चाहिए, हत्ता के बाज़ोकात औलाद को भी कुर्बान कर देना, जैसे कि वाक़े करबला में हमको नज़र आया, जैसे कि हज़रत इब्राहिम और इस्माइल के वाक़े में नज़र आया है। एक तरफ तो देखिए इस्लाम के नज़दीक इंसान के खून की कितनी ज़्यादा कदर व कीमत कि वो उसको बेमकसद बहाना इस्लाम कभी भी पसंद नहीं करता, वो किसी बंदे को कभी कत्ल होते देखना नहीं चाहता, वो उस सिर्फ उस वक्त इस्लाम कत्ल होते देखना पसंद करता है या खून बहाते देखना पसंद करता है जब उससे मकसूद दीन की सरबुलंदी हो और कुफ्र और शिर्क की नाबूदी हो। चुनाचे हज़रत इस्माइल के इस पाक खून को बचाने के लिए गोसपंद को फिदिये के तौर पर लाया गया ताकि ये पाक खून हज़रत इस्माइल का महफूज रहे और ज़रूरत पड़ने पर इसी हज़रत इस्माइल के पाक खून को सैलाब बनाकर कुफ्र और तागूत को उसमें बहा दिया जाए। ये इसका एक ख़ास फलसफा था। देखिए जानवरों की कुर्बानियाँ तो पिछली जो और कौमें थी उनके अंदर भी बहुत जारी रहीं, कभी इसको भेंट कहा जाता है किसी जगह पे, कहीं इसको बलिदान कहा जाता है और आपके यहाँ भी जिस एतबार से कुर्बानी होती है, और बहुत सी कौमें ऐसी गुजरी हैं जो अपने बच्चों तक को ज़िबा कर दिया करती थी और बाज़ औक़ात जानवरों को भी ज़िबा करती थी। तो हज़रत इब्राहिम ने इस उम्र इस जो ये जो रस्म चली आ रही थी इसको मनसूख करते हुए दुम्बे को ज़िबा किया ताकि हमेशा के लिए इस अपनी औलाद को ज़िबा करने की जो रस्म है इसके ऊपर भी एक ख़त तनसीख खींच दिया जाए और आइंदा को ये काम ना करे।